जी यूपी उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा को मिला न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो एंकर सपना शुक्ला को मिला यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर सम्मान। एनबा अवार्ड्स में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बजा डंका, यूपी मांगे उत्तर को बेस्ट प्राइम टाइम शो और लखीमपुर कांड को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड। आज से यूपी में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पेंशन पोर्टल का उद्घाटन, रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। सीएम धामी आज स्वास्थ्य सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे, टिहरी और हरिद्वार भी जाएंगे सीएम, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर साइकिल वितरण, श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों के बच्चों को दी जाएगी साइकिल। माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने बढ़ाई सख्ती, हर जिले के बड़े माफियाओं की सूची होगी तैयार, हर महीने में 10 माफियाओं की सूची तैयार कर होगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने की बकाया वसूली के लिए बिल्डरों की प्रॉपर्टी की ई नीलामी, 36 डिफॉल्टर बिल्डर्स की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी को रखे यूपी रेरा ने, 250 डिफॉल्टर बिल्डर्स की आरसी जारी की। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के कार्यक्रम में नजर आई सियासत की अलग तस्वीर, एक साथ देखे ममता और योगी। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मिलेगा सम्मान, जल्द होगी समस्या का समाधान। जालौन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, बुंदेलखंड के लिए पिछली सरकारों ने की बड़ी बड़ी बातें लेकिन नहीं किया काम। योगी सरकार की योजना के तहत 3 मंत्रियों का समूह पहुंचा कानपुर, कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गुजैनी गांव लगाई गई चौपाल। लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के साथ किया इफ्तार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने समय पर बिजली कारखानों का काम पूरा नहीं किया जिसकी वजह से जनता को बिजली की दिक्कतें हो रही। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, कार में सवार होकर वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। उन्नाव में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, वर्दी पहनकर वाहनों से करता था वैध वसूली, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लेता था पैसे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर दुकान में घुसा, हादसे में किसी के साथ होने की कोई खबर नहीं, ट्रैक्टर की चपेट में आए कई वाहन क्षतिग्रस्त। जौनपुर में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया जेल का आकस्मिक निरीक्षण, अधिकारियों ने बैरकों के लिए गहन तलाशी, जेल प्रशासन को साफ सफाई के लिए निर्देश दिए। सीतापुर जेल में जांच पड़ताल, डीएम और एसपी ने की जिला जेल में जांच, सपा नेता आसम खान की बैरक भी खंगाली गई।